అమ్మను చెప్పాలి తీసుకో కట్ తీసుకో ఇవాళ కట్టుకో టవల్ కట్టుకో ఎందుకంటే కొంతమంది మొబైల్ బాగా తీసుకోండి ఎక్కడ పోయిస్తారు మీరు ఇక్కడ హాస్పిటల్ मैं मेरे साथ हमारा नील शर्मा हमारे भारत चैनल प्रभात रेड्डी साहब और हमारे स्टेट डेटा चैनल अली भाई कमीशन साहब डी एस पी साहब और आर डी ओ साहब और तमाम ऑफिसर हम लोग यहाँ पे मीटिंग किया है। निजामाबाद के आवाम की तरफ से मैं सारे ऑफिसर को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपको बहुत ऑफिसर सबको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों को संभाल के रहना है। कई मसले हम इस दुनिया में देख चुके हैं, जैसे अर्थवेस है लातूर में हम देख चुके हैं कुछ हजारों लोग गुजर गए और कच्छ और भुज गुजरात स्टेट में जब अर्थवेस आए थे वहां पे भी बहुत लोग गुजर गए और सुनामी ऐसा वर्ड तो हम कभी सुने भी नहीं थे। समुद्र से जो पानी आके केरला तमिलनाडु और इंडोनेशिया और जापान यहाँ के इशूज थे, लेकिन निजामाबाद के आवाम को कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा और हम बाहर भी देख चुके, इराक में देख चुके, कुवैत में देख चुके और बांग्लादेश भी देख चुके हैं, लेकिन आज ऐसा मसला है सारे दुनिया का ऐसा। कोई पहले सोचते थे अगर अमेरिका में बीमारी कम हो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आज तो सबको फर्क पड़ेगा, चाहे आप निजामाबाद के अच्छे जगह में हो या फिर बस्ती में हो, कहीं ये बीमारी किधर से किधर भी जा सकता है। जब हमारे लिए हमारे एशिया का इतना अरबों करोड़ कर सकते और अपने ऑफिसर्स इतना हिम्मत करके हमारे लिए दिन रात एक करके जो काम कर रहे हैं उनको साथ देना हमारे फर्ज है। और मेरे बहनों आपको मेरा गुजारिश है, इस बीमारी के लिए दवाई नहीं है। अगर कोई कहता है दूध के लिए मरता है ये गलत बात है, आज तक ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है। और ये मैं ताकत वाला हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा खाना खाता हूं, मुझे बीमारी नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि यूके युवराज को भी ये बीमारी आया हुआ है और कनाडा प्राइम मिनिस्टर के वाइफ को भी आया हुआ है और यूके हेल्थ मिनिस्टर को खुद को आया हुआ है और स्पेन के प्रेसिडेंट के वाइफ और इराक में तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये इस बीमारी से गुजर गया है। ये बात आप समझ के आपके नवजात बच्चों को घर में रख के कहीं बाहर निकलने मत दीजिए। कहीं अगर आप जाते हैं, आज अगर मैं मास्क पहन के मैं ऐसा बैठ के बात कर रहा हूं, मैं साबित करना चाहता हूं आप लोगों कि बिना मास्क का मुझे कहीं बाहर जाना है। अभी इतना डिसेंस में हम हमारे मेयर साहब और सब लोग जितने के ऑफिसर्स हैं दूर दूर बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंस। ये बीमारी इसी तरह से फैलता है, बीमारी फैलने का एक ही रास्ता है, जो कोई पास वाला में करीब रहेंगे किसी अगर कोई इंफेक्टेड आदमी है उससे बीमारी फैल पाए। आपका मैं गुजारिश यही है कि लोग कट्टे कट्टे बाहर मत जाइए और ऑफिसरों को आप सपोर्ट कीजिए। ऐसा ना समझिए कि ऑफिसर्स उनके लिए कर, वो हमारे लिए कर, जो भी काम कर रहे हैं हमारे लिए कर, उनके लिए भी बच्चे हैं और ऑफिसर्स को ऑफिसर्स को डबल ड्यूटी दिन और रात वो लोग ये करके यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना हमारे फर्ज है, उनके लिए भी हमारे लिए। अगर ये ऐसा बीमारी है मैं कुछ लोगों को आपसी मजाक में भी करते हुए मिल लेता सोशल मीडिया में, ऐसा बीमारी हम काफी देख चुके हैं, कोई नहीं देखे आज तक ऐसा बीमारी कोई नहीं देखे। इसमें हंसी मजाक नहीं लेना है, आपको भी नुकसान हो सकता है, आपका फैमिली को भी नुकसान हो सकता है और आपके एरिया वालों को भी नुकसान हो सकता है। गोतमपुर में ऐसा ही
एक पुलिस एक ऑफिसर का लड़का बाहर से आए थे और ऐसे ही लेके 12 फंक्शंस में गए। आज बेटा का तरफ से ऑफिसर को भी इंफेक्शन हो गया, फिर उनका गनमैन को भी हो गया, उनका ड्राइवर को भी हो गया, उनका घर में काम वाले को भी हो गया, तो पूरा वो कंप्लीटली रेड एरिया में आ गया, रेड जोन में आ गया। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश है, आप जो 21 दिन का 14 दिन तक किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमको घर से नहीं निकालने के लिए कहा, इमरजेंसी नहीं है तो आप घर पे रहिए। हर एक समझता है इमरजेंसी, डेली इमरजेंसी कुछ नहीं रहेगा, मेहरबानी करके आप घर में रहिए। अगर आगे आके अगर ये कंट्रोल हो गया तो ठीक है, अगर हुकूमत चाहते हैं एक और हफ्ता आगे जाना है तो भी हम तैयार करेंगे। अभी दुकान खुली है तो जरूरत है, मेहरबानी करके नौजवान आप मजाक मत लीजिए, आप घर पर रहिए, आपके तरफ से आपके माँ बाप को भी नुकसान हो सकता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि निजामबाद के हवा बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे हैं, हमारे बात को खातर करेंगे। और हैदराबाद से मैं अभी सेल्फ ट्रेनिंग लेकर मैं दरा के हमारे आवाम को एक मैसेज भी देना है, मैं मार्केट में जाऊँगा देखूंगा, मैं वीडियो में भी बात कर रहा हूँ, मैं अक्सर ऑफिस में भी मैं टच में हूँ, मुझे उम्मीद के साथ अपना बात करता हूँ। Thank you.